नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे फिक्स असेट्स एंट्री इन डीजी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डीजी सॉफ्टवेयर से अपनी फिक्स असेट की एंट्री करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि फिक्स असेट्स एंट्री आप डीजी में कहां कहां से कर सकते हैं, और अगर आपको क्वांटिटी वाइज फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। ये आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिक्स असेट्स किसे कहते हैं। फिक्स असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जिसे कभी भी हम सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते, उसे हम फिक्स असेट्स कहते हैं। तो आप याद रखना, फिक्स असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जिसे हम कभी भी सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदते, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि फिक्स असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जिसे हमें लॉन्ग टर्म तक यूज करना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, हमारी कंपनी जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, जिसने चेयर कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, जिसे ये सेल करने के पर्पज से नहीं खरीद के लाए, इसे अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से लेकर आए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिक्स असेट्स बोलेंगे। अब इसी की एंट्री हमें अपने बिजी सॉफ्टवेयर में करनी है कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। यहां से हमने अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। बिजी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि जो भी आप फिक्स असेट्स की एंट्री करेंगे वो डायरेक्ट परचेज वाउचर से करेंगे या फिर जनरल वाउचर से करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको जनरल वाउचर से एक एंट्री बताते हैं, साथ साथ एक एंट्री बताएंगे कि आप उसे परचेज से किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर के बाद जो भी आपकी डेट होगी, यहां से आपको अपनी वो डेट टाइप करनी है, तो मैंने आज की डेट टाइप कर दी। इसके बाद जीएसटी नेचर में आपको सिलेक्ट करना है बी2बी एक्सपेंस, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फिक्स असेट्स का नाम टाइप करना है। हमने जो आइटम बनाई है उसका नाम कंप्यूटर है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर टाइप कर देंगे। इसको बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना होगा, ग्रुप में इसको फिक्स असेट सिलेक्ट करना होगा, और जैसे ही आप इसे फिक्स असेट सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे आपके सामने एक टॉपिक ओपन होगा जिसका नाम है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको अपना डेप्रिसिएशन टाइप कर देना है जो भी इसका रेट हो। इसके बाद जीएसटी टाइप के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल रख दोगे, टैक्स कैटेगरी में आप इसको 18% डाल दोगे, उसके बाद जो भी आपका HSN कोड होगा यहाँ से आप अपना HSN कोड टाइप कर देंगे, ITC के अंदर इसमें आप कैपिटल गुड्स टाइप कर देंगे, और RC नेचर के अंदर इसे कंपल्सरी कर देंगे, और जैसे ही इसे आप F2 करके सेव करेंगे ये आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा। इसके बाद आपने जितने लाख की फिक्स असेट्स खरीदी यहाँ पर आपको वो अमाउंट टाइप करना है, उसके बाद इसको डेबिट करना है, और जो भी आपने इस पर टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा बीजी, बस आपको इंटर मारना है। तो आप देख सकते हैं हमारी लोकल पार्टी थी, तो इसने CGST SGST अपने आप कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपने जिससे से खरीदा यहाँ पर उसका नाम टाइप कर देंगे। हमने अभिलाष ट्रेडिंग कंपनी से खरीदा है, तो हमने यहाँ पर अभिलाष ट्रेडिंग कंपनी टाइप कर दिया। इनके ग्रुप में हमने संडी क्रिएटर्स टाइप कर दिया, और जो भी इनका जीएसटी नंबर था वो जीएसटी नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद जैसे आप इसे इंटर मार के सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने नई विंडो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले पूछेगा जीएसटी रिपोर्ट बेसिस, तो आप इस पर कर देंगे एज पर पार्टी मास्टर। उसके बाद आप इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आपका अकाउंट नेम कंप्यूटर आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपका परचेज इनवॉइस नंबर था वो टाइप कर देंगे, यूनिट के अंदर आप NA टाइप कर देंगे, और इंटर मार के क्या कर देंगे सेव। तो आप इस तरीके से अपनी फिक्स असेट्स की एंट्री जनरल वाउचर से कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिक्स असेट्स की एंट्री मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी एंट्री फिक्स असेट्स की परचेज से करूं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल परचेज के अंदर जाना है, यहाँ पर अपनी डेट सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी डेट हो, यहाँ से अपना वाउचर नंबर टाइप करना है, और परचेज टाइप के अंदर जो भी आपका टैक्स रेट है यहाँ पर आपको अपना टैक्स रेट टाइप कर दें। जैसे हमारे केस में मल्टी टैक्स रेट है, कोई 5% वाली आइटम भी है, 12 वाली भी है, तो हम यहाँ से आइटम वाइज ले लेंगे। अगर दिल्ली की पार्टी होगी तो आप यहाँ से LGST ले लेना, और अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी होगी तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, IGST। हमारे केस में लोकल पार्टी है, तो हम यहाँ से LGST आइटम वाइज ले लेंगे। इसके बाद जो भी आपकी पार्टी का नेम होगा यहाँ से अपनी पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, मेटल सेंटर में मेन स्टोर रखना है, और उसके बाद आपसे पूछेगा ITC कि जो आप आइटम खरीद रहे हो वो आपका गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स है। हमारे केस में वो कैपिटल गुड्स है, तो हम यहाँ से कैपिटल गुड्स ले लेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमसे पूछता है आइटम नेम, तो हमें यहाँ पर अपनी आइटम नहीं बनानी, अपनी फिक्स असेट बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी फिक्स असेट का नाम होगा वो टाइप कर देंगे, उसके यूनिट में NA टाइप कर देंगे, NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, कि वो यूनिट नहीं है। उसके बाद जो भी टैक्स रेट होगा यहाँ से अपना टैक्स रेट टाइप कर देंगे, HSN कोड टाइप कर देंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाइड परचेज अकाउंट के अंदर आप क्या ले लोगे, उस फिक्स असेट्स का नाम ले लोगे जो आपने खरीदी है। हमारे केस में प्रिंटर था, तो हमने यहाँ से प्रिंटर ले लिया, ग्रुप में हमने
ग्रुप में हमने यहाँ पर फिक्स असेट टाइप कर दिया, जीएसटी एप्लीकेबल में हमने जीएसटी एप्लीकेबल टाइप कर दिया, टैक्स रेट टाइप कर दिया, एचएसएन कोड टाइप कर दिया, आईटीसी के अंदर हमने यहाँ पर कैपिटल गुड्स ले लिया और आरसीएम में कंपलसरी डाल के इसे हमने सेव कर दिया। तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी और उसके बाद आपको ध्यान से चेक करना है कि आपका डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस पर यस होना चाहिए, बस इसके बाद आप इसको सेव कर दें। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अमाउंट पे जाएगा और जितने भी हजार का आपने प्रिंटर खरीदा हो यहाँ पर आपको वो टाइप करना हो। जैसे ही टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद आपको इंटर मार दे। जैसे इंटर मारोगे ये आपको नेक्स्ट लो पर लेके आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट आइटम बनानी है। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं फिक्स असेट्स परचेज करूँ वो क्वांटिटी वाइज करूँ, क्वांटिटी वाइज करूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बस सिंपल यहाँ पर आपको अपनी फिक्स एसेट्स क्रिएट करनी है और यूनिट के अंदर आपको यहाँ पर पीस टाइप कर देना है और स्पेसिफाई परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको चेयर टाइप कर देना और उसके बाद डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस को यस कर देना। तो आप इस तरीके से क्वांटिटी वाइज भी फिक्स एसेट्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी टाइप करनी है, रेट टाइप करना, और जैसे ही आप इस पे एंटर मारोगे ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव कर दें तो ये आपका सेव हो जाएगा। और अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आप सिंपल बैलेंस शीट के अंदर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी फिक्स असेट दिख जाएगी और आपने जो चेयर खरीदी वो आपकी फिक्स असेट से ना कि क्वांटिटी है। आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि हमने इसमें क्वांटिटी डाल दी तो ये हमारा स्टॉक बन गया, ये हमारा स्टॉक नहीं है, ये हमारी फिक्स असेट है क्योंकि हमने स्पेसिफाई अकाउंट के अंदर वहां पर चेयर डाला था और डोंट मेंटेन स्टॉक के अंदर हमने उसे यस कर दिया था। तो आप इस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी फिक्स असेट की एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्वांटिटी और विदाउट क्वांटिटी वाइज एंट्री कर सकते हैं फिक्स एसेट्स की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।